Assalamualaikum audience. I am Nashwa Megan, a clinical psychologist. So as a part of our health awareness campaign, हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज अबाउट जेलसी और हसद. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट जेलसी इज, हाउ वी कैन ओवरकम इट और एंड हाउ कैन वी आउट ग्रो इट. सो आज फिर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रहील करीम, तो वो इस टॉपिक पे ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, हमें समझाएंगे. थैंक यू निश्वा. तो देखें, पहले तो इस इशू को हमने एक्सप्लोर करना है कि जेलसी होती क्या है. जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें समझ आएगी, जब हमें समझ आएगी तो हम इसके कोई सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और उन सॉल्यूशन से फिर हम कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके ग्रो कर सकते हैं. तो ये तो बात क्लियर है कि इट्स एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स इशू और ये बहुत मिसअंडरस्टूड इमोशन है, यानी कि इसकी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है. ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी है, लोग जो उल्टे सीधे तरीके से कई दफ़ा इस्तेमाल करते रहते हैं. जेलसी इज़ द आर्ट ऑफ काउंटिंग समवन एल्सेस ब्लेसिंग इंस्टेड ऑफ योर ओन. किसी और की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं, ना के बनिस्बत आप इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और अपनी जो आपको अल्लाह मियां ने चीज़ें अता की हुई हैं उनको आप मिनिमाइज करते हैं. हाउ डू यू अंडरस्टैंड जेलसी? किसी हद तक तो ये एक बिल्कुल नेचुरल इमोशन है ना, इस इमोशन को आप निकाल नहीं सकते. जेलसी वहाँ ज़्यादा मतलब है परेशान कन होती है जब एक ख़ास लेवल से ये बढ़ जाती है. और ये नेचुरल इमोशन इसलिए है और उस वक़्त ये पैदा होता है दैट एज़ ह्यूमंस जब हमें लगता है कि हमें कोई थ्रेटन कर रहा है हमारी वैल्यू सिस्टम को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी अचीवमेंट को, या जो हम पोजेस करते हैं मटेरियल चीज़ें. इट शुड नॉट बिकम टॉक्सिक, यानी कि ये जहरीले हद तक जेलसी नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ उतने ही ज़्यादा आप जेलस हों. वैसे तो ये सेहतमंद कंडीशन है, लेकिन अब में इमेच्योरिटी आ जाती है, एग्जैजरेशन आ जाती है, तो फिर ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा परेशान कुन हद तक इंसान को तंग भी करती है और एंग्जाइटी भी क्रिएट करती है और डिप्रेशन भी क्रिएट करती है. कॉजेज क्या होते हैं जेलसी के? सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कॉज है या आइडियोलॉजी या वजह कह लें, वो इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी एज ए ह्यूमन बींग, ठीक है. दूसरा ये है कि आप डरते हैं कि आपकी कोई चीज़ गुम ना जाए, सो फियर ऑफ लॉस. तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम माशरती तौर पे देखते हैं, इस कंपैरिजन, कि यार उस शख्स के पास ये है, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, या उस चीज़ उसके पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास सस्ती गाड़ी है, उसकी बेगम ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी बेगम कम खूबसूरत है, उसके बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, मेरे बच्चे जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं हैं. तो कंपैरिजन जो है ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट है. तो इनसिक्योरिटी तो बचपन से शुरू होती है और पास्ट एक्सपीरियंसेस से इसका ताल्लुक होता है और कई दफ़ा हमारी शख्सियत के पहलू भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप इस इमोशन को एड्रेस करें तो इट इज़ असेंशियल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज. रूट कॉज आपको वजह पता लगेगी तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और उस पता लगने से आप फिर इस इमोशन पर तवज्जो देंगे और तवज्जो दे के इसको ठीक करेंगे और इससे आपकी जो है ज़हनी ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, मेंटल स्टेबिलिटी आएगा. तो टेक होम मैसेज है, कंपैरिजन ना करें. जो आपके पास है उससे खुश रहें, जो आपके पास नहीं है उसके लिए सेहतमंद तरीके से कोशिश करें. तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जेलसी और एनवी में क्या फ़र्क है. जेलसी तो एक लिहाज से जब एक हद तक बढ़ जाए तो एक नेगेटिव इमोशन है. एनवी इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट इमोशन. जब आपको लगता है कि यार अगले शख्स के पास ये चीज़ें हैं लिहाजा मैं उसको पॉजिटिवली अप्रोच करूं, मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करूं सही रास्ते से. अगर मेरे बच्चे इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं तो मैं ये कोशिश करूं कि इनकी मैं तालीम पे, इनकी इमोशनल और ज़हनी सेहत के ऊपर, इनकी नर्चरिंग पे इन्वेस्ट करूँ. तो एनवी इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव इमोशन और ये आपको हर जगह मिलती है, घरों में मिलती है, जॉब्स में मिलती है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट जहाँ भी होगी, सिबलिंग्स में मिलती है, बहन भाइयों में मिलती है, हर जगह मिलती है. तो ये एक
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा. हाउ कैन यू ग्रो आउट ऑफ जेलसी? हाँ, सो आई जस्ट थिंक दैट थोड़ा सा इस पर मैं किसी फर्क वक्त पे बात करूँगा. इंटेलिजेंस दो किस्म की होती है. एक आपकी वो इंटेलिजेंस है जो आप मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, फिजिक्स के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं. एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि यू शुड बी इन टच विद योर इमोशंस, रिकग्नाइजिंग दिंग. कॉमन इमोशन क्या है? फियर है, जेलेसी है, ग्रीड है, सैडनेस है. तो ये अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपको रिकग्नाइज करनी चाहिए और उसके थ्रू अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें, और इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग द फीलिंग्स ऑफ जेलेसी एंड एनवी. अक्सर हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग डिप्रिवेशन के हालात में पलते हैं. वो इर्द गिर्द के लोगों को अमीर देखते हैं, तरक्की याफ्ता देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी पैसे कमाए हों. तो आउटग्रो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का रास्ता खुला रखें, किसी दाना से डिस्कस करें, किसी अक्लमंद शख्स से डिस्कस करें, किसी अच्छे दोस्त के साथ डिस्कस करें. तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुक्र, सब्र, या पॉजिटिव तरीके से इसको जैसे अंग्रेज़ी में हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं. देखें, अपनी ज़ात पे आप फोकस करेंगे ना, तो अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे, तो ये बेहतर तरीका है. वो आपके अंडर कंट्रोल है, उसमें आप तब्दीलियाँ ला सकते हैं. दूसरों की चीज़ों पर गौर करेंगे, वो तो उनकी चीज़ें हैं ना, ना आप उनको चेंज कर सकते हैं. आप अपने आप को निखारें, अपने आप पे मेहनत करें, अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको रिकग्नाइज करें, और रब का शुक्र अदा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर व्हाट यू हैव. तो जेलेसी अक्सर हम देखते हैं कि लोग एविडेंस के लिए स्कैन करते हैं. सो जेलेसी स्कैन्स फॉर एविडेंस टू प्रूव द पॉइंट, है ना. बंदा ये सोचता है कि यार उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास बड़ी गाड़ी तो नहीं है ना, तो ये एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हैं. देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव. You need to learn to value yourself. अपने आप से प्यार करें. Value क्या चीज़ होती है? एक चीज़, एक गाड़ी है, उसकी एक value है. एक घर है, उसकी value है. Self value वो है जो आप अपने आप को value देते हैं, ठीक है. आप अपनी क्या कीमत लगा रहे हैं ये तो आप पे ही मुनसर है ना. अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपकी अपनी value अपनी कम लगाएंगे. But if you cannot love yourself, you will not believe that you are loved. अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करें. आप ऐसे गोल्स अपने लिए बनाएं तरक्की के दैट रिफ्लेक्ट योर डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस. और फोकस ऑन कोलैबोरेशन. एक माइंडसेट ऑफ अबंडेंस डेवलप करना पड़ेगा. हाँ, दो दिमाग, दो लोग, दो ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर काम कर सकती हैं रादर के अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करें और कोलैबोरेशन ना करें. इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए. और यहाँ ही मैं इसको एंड करूंगा. और इसके साथ ये भी आपको ब्रीफली बताता जाऊं कि हमारे जो सेकंड एपिसोड में हम जेलस पर्सन की पर्सनालिटी को के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से शख्स हैं जो जेलस बनते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर. वेरी काइंड. थैंक यू फॉर हैविंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड कि वी कैन डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट जेलसी, कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. थैंक यू. थैंक यू नाज़रीन. थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस पोर्टल को, बोथ वीलॉग एंड डॉक्टर राहिल क्रीम्स चैनल को, आप इस तरह करें कि सपोर्ट करें. दिस विल एनहांस द रिचनेस ऑफ द पोर्टल टू स्प्रेड द मैसेज एंड टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ इन जनरल, एज देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. थैंक यू.